नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। जब पूरी दुनिया में कोरोना ने त्राहिमाम मचा रखा था, उस समय भारत ने पूरे विश्व की मदद की, खुले हाथों से मदद की। चाहे अमेरिका हो या नेपाल, भारत ने बिना भेदभाव किए सबकी मदद की। यही वजह है कि जब आज भारत में स्थिति बिगड़ गई है तो कई देश सामने आए, लेकिन अमेरिका ने भारत को वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स की सप्लाई देने से इनकार कर दिया था। इस बात को लेकर अमेरिकी सरकार पर सवाल भी उठे, लेकिन उसके कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी। बाइडेन सरकार पर काफी दबाव आया, लेकिन अमेरिका का रुख वही था। फिर भारत के जेम्स बॉन्ड माने जाने वाले अजीत डोभाल की एंट्री हुई। एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल, और अमेरिका के सुर बदल गए। और अब वहाँ की पूरी सरकार डैमेज कंट्रोल मोड में जुट गई है, अपनी छवि सुधारने में लगी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्टेट सेक्रेटरी और डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी के अलावा NSA ने भी भारत के समर्थन में ट्वीट किया। हर ट्वीट में एक ही बात कि तुरंत मदद का आश्वासन है और भारत के लोगों के साथ अमेरिका के होने की बात कही गई है। दरअसल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन से बात की। इस बातचीत की 24 घंटे के भीतर भारतीय डिप्लोमेसी ने कमाल कर दिया और अमेरिका कोरोना वैक्सीन के कच्चा माल देने के लिए राजी हो गया। इसके बाद से ही डोभाल की चर्चा फिर से होने लगी है, हर तरफ उनकी सराहना होने लगी। NSA लेवल की वार्ता के बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा कि जिस तरह से भारत ने अमेरिका को तब सहायता भेजी थी जब वहाँ के अस्पताल कोरोना की शुरुआती लहर के दौरान ही गहरे तनाव में थे, ठीक उसी तरह ज़रूरत के समय वे भारत की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिकी NSA जैक सुलिवन ने कहा कि उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से बात की है और लगातार बढ़ रहे COVID-19 संक्रमण के मामलों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस दौरान दोनों अधिकारियों में एक दूसरे के करीबी संपर्क में रहने पर सहमति बनी। जैक ने कहा कि अमेरिका इस परिस्थिति में भारत के साथ खड़ा है और हम उसकी सहायता के लिए अधिक संसाधन और सप्लाई उपलब्ध करा रहे हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लिखा, इस भयानक COVID-19 संक्रमण के दौरान जरूरी चीज़ों की अतिरिक्त त्वरित सपोर्ट एवं सप्लाई के लिए अमेरिकी सरकार भारत के साथ मिलकर काम कर रही है। जहां हम सहायता भी कर रहे हैं, हम भारत के लोगों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। वहां के बहादुर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने लिखा, इस भयानक COVID-19 लहर में हमारा हृदय भारतीयों के साथ है। हम भारत सरकार में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम त्वरित रूप से भारत के लोगों और वहां के स्वास्थ्य सिस्टम के नायकों को अतिरिक्त सहायता मुहैया कराएंगे। आप इन ट्वीट से समझ ही गए होंगे कि तमाम नेताओं ने तुरंत कार्रवाई करने और भारत को मदद पहुंचाने की बात लिखी है और ऐसे ट्वीट्स की होड़ सी लग गई है। खैर, राहत की बात यह है कि NSA डोभाल के एक कॉल के बाद अमेरिका तैयार हो चुका है और वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल देने को तैयार हो गया है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।